हमारे साथ राहुल सिन्हा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। राहुल जी, जॉइंट प्रॉपर्टी ली गई साल 2012 में, जॉइंट प्रॉपर्टी, और इस आलिशान फार्म हाउस का नाम आपा अर्पिता और पार्थो चौटर्जी के नाम से इस फार्म हाउस का नाम भी रखा गया। देखिए, तो अर्पिता का अ और पार्थो चौटर्जी का प, दो मिलके अपा हुआ। एक्चुअली ये दोनों मिलके जो ये सारे धांधली किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं भी फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, इतना सारे रकम, ये दो चार फ्लैट 1500 तो अभी निकल गया, लेकिन और भी निकलेगा। रुपया इतना भारी बरामद हुआ, इतना सारे सोना और गहना सारे आया, और डंपर 100 डंपर, इतना जो रुपया है, ये सारे रुपया पार्थो चटर्जी का अकेला नहीं है, इसमें तृणमूल का भी हिस्सेदारी है। अभी तृणमूल पल्ला झाड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है और थोड़ा दिन अपेक्षा करिए, पार्थो चटर्जी का मुख से ही सारे सत्य बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये जितना संपत्ति है, ये अर्पिता का नाम पे पार्थो चटर्जी भाई उनका फ्लैट में जो रखने का काम किया था, वो सिर्फ आंख में धूल झाड़ने के लिए। उनका घर में कोई तल्लाशी होगा और तल्लाशी से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कागज कुछ मिलेगा। लेकिन वो जो हाथ ईडी का एकदम अर्पिता का फ्लैट में पहुंच जाएगा, और फ्लैट से बहुत सारे दलील भी मरामत हुआ, और दो फ्लैट में जितना रकम मरामत हुआ, सोने का गहना मरामत हुआ, इससे स्पष्ट होता है और भी स्थान है, ये सिर्फ नहीं है, और भी बहुत स्थान है जहां पर इन लोगों ने रुपया छुपा के रखा। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम समझता है इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ अर्पिता पार्थो नहीं, और भी तृणमूल का आला कमांड भी इस जाल में फंस जाएंगे। बहुत शुक्रिया राहुल सिन्हा जी आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा है, कहा कि इसमें तृणमूल की भी हिस्सेदारी है और धीरे धीरे सत्य बाहर आएगा। और उनका यह कहना है कि सिर्फ पार्थ चैटर्जी ही नहीं बल्कि तृणमूल के और आला कमान भी इसमें हिस्सेदार हैं।